धारणा है कि मुस्लिम महिलाओं को पुरुषों की तरह मस्जिद में आकर नमाज पढ़ने पर धार्मिक आधार पर प्रतिबंध है, जबकि हकीकत में धार्मिक आधार पर महिलाओं को मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका नहीं गया है। हाँ, इतना जरूर है कि फर्ज नमाज पढ़ने के लिए जैसे पुरुषों का मस्जिद आकर नमाज पढ़ने को प्रोत्साहित किया गया है और इसे अच्छा माना गया है, वैसे ही महिलाओं की स्थिति के मुताबिक उन्हें मस्जिद आकर नमाज पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया गया है और उन्हें घर पर ही नमाज पढ़ने की छूट दी गई है। इंशाल्लाह रमज़ान से हमने अच्छी शुरुआत की है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो भी जमात वालों ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है हमारे लिए, पर्दे का बड़ा एहतराम है, हर चीज़ की फैसिलिटी हमारे लिए रखी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ नमाज का जो हमारा जमात के साथ पढ़ने का जो सवाब है वो कुछ अलग है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह जमात वालों ने हमारे लिए इतना बेहतरीन इंतज़ाम किया हुआ है कि हम बता नहीं सकते। हम जमात वालों का सारों का शुक्रिया, दिल तहे से सारे लोग शुक्रिया अदा करते हैं। काफ़ी वक्त हमको बहुत सुकून मिलता है यहाँ आकर। बाय जमात हमको पढ़ने का ये मौका मिला, इस साल से शुरुआत किया उन्होंने अभी, तो हम उसके लिए बहुत खुशी है। कितनी औरतें लगभग इस मस्जिद में यहाँ पर आ रही हैं? अभी कम से कम 30 से 40 औरतें आ रही है नमाज के लिए। पुणे के बोपोड़ी इलाके की इसी मस्जिद से मुस्लिम महिलाओं को नमाज पढ़ने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष शुरू हुआ था। पिछले साल रमजान के इसी महीने में अनवर शेख और उनकी पत्नी फरहा अनवर हुसैन शेख ने मांग की थी कि महिलाओं को बोपोड़ी की मस्जिद में नमाज अदा करने की इजाजत दी जाए। हमने मस्जिद में औरतों को नमाज की एंट्री के लिए सुप्रीम कोर्ट में 2020 में याचिका दायर की थी, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सन बोर्ड और बहुत से पार्टियों को लेटर दिया था और मुस्लिम पर्सन लॉ ने फरवरी में उनको अपना हलफनामा दिया था, उसमें उन्होंने कहा कि औरतों को परमिशन है नमाज की मस्जिद में। फिर उसके बाद हमने सब पूरे महाराष्ट्र में जितनी मस्जिद है सबको लेटर दिया कि मस्जिद में औरतों को तरावी का इंतज़ाम किया जाए और जुम्मा का, ये सब औरतों का इंतज़ाम अच्छी तरह से किया जाए, इसके लिए हमने मस्जिद में लेटर दिया था और उसमें अभी 15-16 मस्जिद में औरतों को तरावी का भी इंतज़ाम शुरू किया है और ऐसे ही बोपड़ी की मस्जिद में भी जिधर से हमने शुरुआत की थी उधर भी मस्जिद में औरतों को नमाज तरावी पढ़ने का इंतज़ाम वहाँ पर किया है औरतों को। इसके लिए अनवर शेख और उनकी पत्नी फरहा अनवर हुसैन शेख ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस संघर्ष का संज्ञान लेते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस बात पर सहमत होना पड़ा कि महिलाओं को मस्जिदों में नमाज अदा करने का अधिकार है। रमजान का महीना था, हम शॉपिंग के लिए मुना में गए थे, उधर पास में ही मस्जिद थी तो मेरे हस्बैंड उधर नमाज के लिए चले गए। हम बाहर ही रुके थे और उसमें अनसीजन बारिश भी हो रहा था तो हम लोग बाहर ही रुके थे, मेरी छोटी लड़की को लेके हम बाहर ही एक साइड में रुके थे और वहाँ पर बहुत मतलब ज़्यादा ये नहीं था, लोगों को जाने के लिए डिस्टेंस बहुत कम था वहाँ पर, तो हम लोग वैसे ही इसमें बाहर रुके। फिर हम वहाँ से निकले, आते आते हम आगे एक मस्जिद मिली, उधर नमाज उधर रुके हम लोग, तो उधर लिखा हुआ था कि उधर औरतों को इंतज़ाम है मस्जिद में, तो उधर हमने नमाज भी पढ़े भी और रोज़ा भी हमने फारिग किए। फिर उसके बाद रास्ते से चलते चलते मैं मेरे हस्बैंड को ले आ रही, ये ऐसे क्यों कर रहे, एक मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त है और एक मस्जिद में नमाज की इजाज़त नहीं है। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आप कुछ तो करो, कहने कि हर मस्जिद में औरतों को जाने की इजाज़त मिले। तो हमने स्टडी किया कुरान में हदीस में, तो उसमें हमको मालूम पड़ा कि औरतों को मस्जिद में जाने की इजाज़त पहले से ही है, पर वो इजाज़त अभी मिलना चाहिए, इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया। इस्लाम के सिद्धांत के मुताबिक मुस्लिम महिलाएं चाहे घर पर नमाज पढ़ें या मस्जिद में नमाज अदा करें, उन्हें एक जैसा ही सवाब मिलेगा। इस तरह एक तरह से उन्हें मस्जिद जाकर नमाज पढ़ने से छूट भी मिली है।